22 जुलाई से देवभूमि उत्तराखंड में शुरू हुई कांवड़ यात्रा के लिए पुलिस प्रशासन ने पूरा ट्रैफिक प्लान बना रखा है, जिसके तहत शहरी क्षेत्रों में कांवड़ियों के वाहनों को आवागमन करने की इजाजत नहीं है। इस बात को लेकर देहरादून के एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने कहा कि किसी भी कांवड़ वाहन को नगर क्षेत्र में आने की अनुमति नहीं है, चाहे वो सहारनपुर, हरिद्वार या मसूरी की तरफ से आ रहा हो। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी कांवड़ वाहन को आशा रूढ़ी या विकास नगर की तरफ से हरिद्वार के लिए जाना है तो वो आईएसबीटी से रिसपना पुल होते हुए जाएंगे, और अगर कोई हरिद्वार या ऋषिकेश से विकास नगर जाना चाहता है तो वो भी इसी तरह रिसपना पुल से आईएसबीटी और शिमला बाईपास रोड के रास्ते से जाएंगे, लेकिन उन्हें मसूरी मार्ग का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। मैं स्पष्ट कर दूं कि किसी भी जो है कावड़ वाहन को जो है हमारे नगर क्षेत्र में आने की अनुमति नहीं है, चाहे वो किसी भी दिशा से हो, चाहे वो सहारनपुर साइड से हो या हरिद्वार या मसूरी, तो सिटी क्षेत्र में आने की अनुमति नहीं है। जो भी कावड़ या तो आशा रूढ़ी की साइड से आएंगे या विकास नगर साइड से आ गए और जिनको कि हरिद्वार की तरफ को जाना है, तो सीधी सी बात है उनका जो रूट है वो क्या कहते हैं शिमला बाईपास और उसके बाद फिर आईएसबीटी और फिर कारगी चौक रिस्पना होते हुए जो है वो ऋषिकेश की ओर प्रस्थान करेंगे। इसी प्रकार से जो कोई कांवड़ अगर ऋषिकेश या हरिद्वार से वापस आएगी और जिसको अगर विकास नगर से साइड को जाना है तो वो भी वाया रिस्पना और कारगी चौक और फिर आईएसबीटी शिमला बाईपास होते हुए जो है नयागांव होते हुए वो रूट पकड़ेंगे। कदापि जो है किसी भी कांवड़ यात्री को या कांवड़ वाहन को जो है नगर क्षेत्र में और फिर नगर क्षेत्र से होते हुए कुठाल गेट और ये मसूरी की साइड आने की इजाज़त नहीं है, उनको जो है रोका जाएगा। इसके लिए हम हमारे द्वारा प्लानिंग कर ली गई है और जगह जगह ऐसे जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है वहाँ पर जो है पर्याप्त मात्रा में ड्यूटी भी लगा दी गई है।